तो आप ये जानना चाहते हैं कि संबल कार्ड है मध्य प्रदेश में, उसके लिए हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं या फिर करवाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आप वीडियो देखते रहेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी, और कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम एक खोल लेते हैं एक ब्राउज़र, और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता दें कि आपको क्या करना है। चलिए हमने एक ब्राउज़र खोल लिया है और यहाँ पर ब्राउज़र में आपको लिखना है संबल, SAMBAL, संबल लिखना है, सिंपल सा जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पर सर्च कर देना है, खोजना है। तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने sambal.mp.gov.in के नाम से लगभग ऐसी साइट आएगी। आप देखिए इस तरह की कुछ साइट आएगी जो आपको पहली साइट यहाँ पर दिख रही होगी, संबल पोर्टल यहाँ पर दिख रहा है, इस पर हमें करना है क्लिक। और ये अधिकतर मोबाइलों में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इससे आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, पर अधिकतर मोबाइल में ये भी हो भी रहा है तो आप दोनों से कर सकते हैं, ट्राई कीजिए मोबाइल से और डेस्कटॉप दोनों से। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, तो आप देखेंगे कि हमारे सामने कुछ इस तरह का ये स्क्रीन देखने को मिलेगा, इस तरह का हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाता है। कई बार अगर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है पंजीयन हेतु आवेदन करें, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे डेस्कटॉप मोड में डाल लीजिए। यहाँ पर लिखा है पंजीयन हेतु आवेदन करें, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, एक समग्र आईडी यहाँ पर, और फिर बोलता है परिवार आईडी। तो समग्र आईडी यहाँ पर आपको डालना है नॉन को वाली पर्सनल खुद की आईडी, और इसके बाद में बाजू में लिखा है परिवार आईडी, वहाँ पर डालना है 8 अंकों की आईडी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रकार से आईडी डाल लेना, और फिर डालना है कैप्चा कोड, और समग्र खोजने पर करते हैं हम क्लिक। तो चलिए हम फटाफट सब कुछ डाल लेते हैं और समग्र खोजने पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर डाल लीजिए अपनी आईडी, और यहाँ पर सब कुछ डाल लिया हमने, कैप्चा कोड डालते हैं और समग्र खोजने पर क्लिक किया। जैसे समग्र खोजे पे क्लिक किया, इस तरह का एक और आता है कि द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट नॉट सिक्योर, बाय द वे हमें सेंड एनी वे कर देना है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि गवर्नमेंट का ही पोर्टल है तो हमें ज़्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा है कि अंकित की गई समग्र आईडी में आपका ई के वाई सी उपलब्ध नहीं है, तो ई के वाई सी उपलब्ध करने के लिए बोल रहा है कि आप ओके बटन दबाएं। तो आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है ई के वाई सी के लिए, क्योंकि आगे बढ़ेगा ई के वाई सी करने के लिए। तो हम यहाँ पर ओके पर कर देते हैं क्लिक। हमने जैसे ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमसे अब अगली बार मांगेगा एक मोबाइल नंबर। देखिए हम चलते हैं कहाँ पर मांग रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक ये बोल रहा है कि आधार का पंजीकरण मोबाइल नंबर पर वेट करना है जो आधार कार्ड में लगा हुआ है, तो हमने डाल दिया है। और यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, और सदस्य की जानकारी देखें और दर्ज करें मोबाइल नंबर, ओटीपी पाप के लिए अनुरोध पर क्लिक कर दिया। तो ये हमने क्लिक किया, यहाँ पर बता रहा है डू यू वॉन्ट टू अपडेट मोबाइल नंबर एंड समग्र, हमने यहाँ पर यस करना है, या पर चाहें तो नो भी कर सकते, यस कर दीजिए आप यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ओ टी पी आएगा, आपको ओ टी पी डालना है, और ये कैप्चा कोड है, ओ टी पी डालने पर और कैप्चा कोड डालने पर यहाँ पर कर देना आपको क्लिक। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है, ओके कर दिया। फिर हमसे मांग रहा है कि यहाँ पर आधार नंबर डालिए, और आधार नंबर डालने के बाद में बोल रहा है कैप्चा कोड डालिए। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं और कैप्चा कोड डालने पर करते हैं क्लिक, रिक्वेस्ट ओ टी पी फ्रॉम आधार। तो यहाँ पर आपको डालना है आधार नंबर, और नीचे डालना है आपको कैप्चा कोड, और रिक्वेस्ट ओ टी पी फ्रॉम आधार पर करना होगा क्लिक। यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर करेंगे हम फिर क्लिक। चलिए अब हम डाल लेते हैं आधार नंबर डालते हैं यहाँ पर, और फिर कैप्चा कोड डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने रिक्वेस्ट ओ टी पी क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर एक ओ टी पी इस तरह का भेज गया है, आपको मोबाइल नंबर भी दिख रहा है कि इस तरह के मोबाइल नंबर पर ये भेजा है। तो यहाँ पर हमने अब यहाँ पर कैप्चा कोड ओ टी पी हमने डाल लिया है, और कैप्चा कोड हमें यहाँ पर भर लेना है, और आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर यहाँ पर हमें क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने कुछ दो स्क्रीन आएंगे कि समग्र आईडी के अनुसार आपकी जानकारी ये है और आधार कार्ड के अनुसार आपकी जानकारी ये है। तो हमने यहाँ पर ओके कर दिया टिक लगा के, तो इस तरह की हमें जानकारी देखने को मिलती है कि आवेदक आपकी ई के वाई सी की जानकारी प्राप्त हो गई है, परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन पूर्ण करें। तो हम यहाँ पर ओके का जो ऑप्शन दिख रहा है, हम ओके के इस वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे, जैसे कि हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी फोटो, आपकी जानकारी सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर हमें अब जरूरी यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए अन्य विवरण जहाँ पर रहता है, यहाँ पर आवेदक का प्रकार, यहाँ पर किस प्रकार के, तेंदूपत्ता वाले हैं कि विमुक्त हैं या असंगठित श्रमिक हैं। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पर आप निश्चित किसी कंपनी में नहीं जाते, तो असंगठित श्रमिक सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी शिक्षा, अपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। फिर यहाँ पर नियोजन व्यवसाय, आप किस प्रकार का काम करते हैं, आप नियोजन व्यवसाय चुनने पर क्लिक करेंगे तो आप किस प्रकार का काम करते हैं वो काम आपको चुनना है। जी हाँ, जो भी आपके हिसाब से काम हो, जिस हिसाब से आप काम करते हो, उस काम को आपको यहाँ पर चुन लेना है।
तो यहाँ पर आप ये नहीं डाल सकते कि हम मजदूरी करते हैं। अगर मजदूरी भी करते हैं तो ये बोलोगे कि मजदूरी में भी आप क्या करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं पकी ईंट तथा टाइल बनाने के नियोजन में, हमने इस पर क्लिक कर दिया, इसमें ये काम करते हैं। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आप आयकरदाता हैं? अगर आप टैक्स भरते हैं तो यस करना है, अगर टैक्स नहीं भरते तो नहीं कर देना है। मेरे अथवा मेरे परिवार मतलब पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो यहाँ करें, और नहीं है तो नहीं करें। और अंत में यहाँ पर एक बोल रहा है कि क्या आपके पति पत्नी शासकीय कर्मचारी हैं? नहीं पे क्लिक करना है। और अंत में आपको यहाँ पर ये तीनों घोषणा दिख रही है, इनको आपको चेक कर देना है, क्योंकि आपके हिसाब से जो आपने जानकारी दी है उस हिसाब से आपको एक घोषणा कर देनी है। तो यहाँ पर आपने घोषणा कर दी, फिर आवेदक संरक्षित करे पर आपको करना है क्लिक। पर उससे पहले आपको कंट्रोल और पी बटन दबा के, मतलब कंट्रोल और पी बटन दबा के आपको इसको प्रिंट कर लेना है इस फॉर्म को, क्योंकि यह फॉर्म आपको सत्यापन के समय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कंट्रोल पी से इसको प्रिंट कर लिया है, हम सेव भी कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया है, आप भी इस तरह से सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि इसको हमारे फॉर्म के साथ लगाना है। फिर हम आवेदक संरक्षित करें पर क्लिक करते हैं, तो देखिए आपके सामने जन कल्याण संपन्न योजना के अंतर्गत आपका आवेदन जमा कर लिया गया है, आपका आवेदन क्रमांक ये है, इस तरह से आपको जानकारी दिखाई जा रही है। आप चाहें तो ओके बटन पर क्लिक करके इसके बाद में भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, पहले नहीं होता था लेकिन अब ऐसा प्रिंट आउट होने लगा है आवेदन करने के बाद में भी। तो इस प्रकार से आवेदन कर लिया है आपने। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हम इसके साथ लगाना है। तो जो अभी आपने प्रिंट आउट निकाला है, जो हमने आपको बताया है, 1-2 पेज में एक ये प्रिंट आउट रहेगा, साथ ही साथ 5 फॉर्म और रहेंगे सत्यापन के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं। इस साइट पे आपको मिल जाएंगे 5 फॉर्म। अगर आपके पास नहीं है, gpcomputer.in पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर साइट देख लीजिए, डिस्कशन बॉक्स में भी लिंक है, gpcomputer.in पर आपको जाना है और सर्च कर देना है, तो आपके सामने साइट खुल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप ढूंढेंगे, नीचे कहीं जाएंगे तो आपको मिल जाएगा संबल कार्ड 100% ऐसा कुछ दिख रहेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे अगर, तो आप नीचे जाएंगे तो देखिए इस तरह के फॉर्म रहते हैं। यहाँ पर डाउनलोड के नीचे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड नाउ पर, तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। देखिए ये जो हम बता रहे थे, ये फॉर्म है, ये 5 फॉर्म आपको ये प्रिंट करने पड़ेंगे। इसमें सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, जैसे कि वो जानकारी जो आपने अभी अभी ऑनलाइन किया है वो इसमें भी भरनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की आप जानकारी भर दीजिए, ये 5 फॉर्म होंगे और जो भी आपका प्रिंट आउट था एक वो हो जाएगा। जो और साथ ही साथ पटवारी हो सकता है आपसे नकल मांगे, नकल मतलब इस तरह की नकल मांग सकता है कि आपके परिवार में आपके नाम पर कितनी जमीन आ रही है, तो उस हिसाब से आपसे नकल भी मांग सकती है पटवारी। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए आपको कैसे ये सब कुछ करना है। 5 फॉर्म ये हो गए, और अभी जो आपने आवेदन किया है वो आवेदन का फॉर्म हो जाएगा, और हो सकता है अगर आपके पटवारी नकल मांगते हो तो वो नकल लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से अब ये पूरा सेट बनाकर आपको यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ यहाँ पर आपको पटवारी की दस्तखत करवाने पड़ेंगे इस फॉर्म में। वन विभाग के जो डिप्टी रेंजर होते हैं, रेंजर होते हैं, उनके भी दस्तखत करवाने पड़ सकते हैं, और आपके जो 4 गांव के स्थानीय सदस्य होंगे उनके भी दस्तखत करवाने पड़ेंगे, और आपके सचिव के भी दस्तखत यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है, पंचनामा पूरा बना रहेगा आपके। ये आप अगर फॉर्म प्रिंट करेंगे, फॉर्म देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ क्या करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे ये संबल कार्ड आवेदन करते हैं, और आवेदन करने से लेकर आपको सत्यापन कैसे करवाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने जनपद में लेकर जाना है सत्यापन के लिए, या फिर अपने सचिव से भी बात कर सकते हैं, वो भी सत्यापन करवा सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।